वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आज हम जो कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क CCNA लाइनक्स इनकी क्लासेस चलती हैं, उनमें से एक LCD LED की जो क्लास चल रही है उस पर हम आपको वीडियो बताने जा रहे हैं। लाइव सेशन दे रहा हूं मैं, तो आइए देखते हैं क्या चल रहा है। यहां पर क्या खराब था सर इसमें बताओ। क्या क्या खराब था इसमें? खराब था और एक और क्या था? ब्रिज रेक्टिफायर, आईसी, जनर डायोड और फ्यूज, चार चीजें इसमें सर। ये वाली खराब अब तक, ये वाला ब्रिज बदला हमने और एक ये आईसी जो पूरी फूट गई थी वो बदली, अभी जनर डायोड बदल रहा है सर। मिल गया फॉल्ट। तो इस तरह से अपने यहाँ क्लासेस चलती हैं सारे प्रैक्टिकल से। था क्या TFT है? हाँ, TFT मॉनिटर है। LCD टोटल डेट, हाँ सर टोटल डेट है सर। TFT मॉनिटर है सर, एसर का। सर एक बार आप बता दो क्या क्या इधर मुझे देखते हो, क्या क्या फॉल्ट था सर, क्या क्या खराब निकला आप बता दो एक बार। ऐसे बता देता हूँ ना सर मैं। क्या सर इसमें क्या है, ब्रिज खराब था, आईसी खराब थी पावर सप्लाई वाली, और अपना ये फ्यूज उड़ा हुआ था सर, है ना। आईसी लगाने के बाद भी सर चालू नहीं हुआ, छोटे कंपोनेंट भी चेक करने पर तो जनरल डायोड काम नहीं करता। अच्छा ठीक है सर, तो जनरल डायोड डाल दी है, उसके बाद अब चेक करते हैं सर, हो जाएगा इससे तो। ये हमारे LCD LED की क्लासेस चल रही हैं। ये हमारे सर हैं मुकेश रावत सर, जो LCD LED लैपटॉप मदरबोर्ड इस तरह के सारे चीज़ों को रिपेयर करते हैं। तो किसी भी तरह की क्लासेस के लिए, LCD हो, LED हो, लैपटॉप हो, उसके लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और LCD LED TV अगर ख़राब है, कुछ है, रिपेयर कराना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए LCD LED का पूरा इस तरह से सारे प्रैक्टिकल्स के साथ बैच होता है। 3 से 4 बच्चों से ज़्यादा हम एक बैच में रखते नहीं हैं, ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो, चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से, वो हमारा मेन उद्देश्य होता है। तब तक इनको करने देते हैं, अगली क्लास में चलते हैं। ये CCTV कैमरे में आज IP कैमरास जो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, ये देखिए ये IP कैमरा है, ठीक है। ये सारे कैमरे IP कैमरा में देखिए, ये इस तरह से RJ45 कनेक्टर लगाते हैं, देखिए इस तरह से यहाँ पर ये लाइटें चलना, और यहाँ पर देखिए ये लैन कनेक्शन, और ये आपका NVR है जो पूरा क्या करता है, और ये NVR बेसिकली वीडियो कॉन का है, और इसमें टोटल कैमरे जो चलेंगे वो कितने हैं वो देख लीजिए, देख कितना कैमरा सपोर्टिंग है ये। बत्तीस कैमरे को ये सपोर्ट करता है। तो इस तरह से अपने यहाँ NVR, DVR और IP कैमरे में जो बुलेट कैमरा है IP के लिए, वो भी अपने वहाँ है, सारे कैमरे आपको मिलेंगे, और सारी चीज़ें हैं। ये पावर सप्लाई, और हम अभी इसमें 3-4 कैमरे और लगा के देखेंगे किस तरह से काम करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पूरा, और दिखाओ अपने नॉर्मल कैमरे दिखाओ, ये देखिए बुलेट में, देखिए बुलेट कैमरा H, ये जो बुलेट कैमरे नॉर्मल वाले, ठीक है। और ये हमारे IP कैमराज हैं सारे, ये वायरलेस कैमरा, ये नॉर्मल कैमरे, HD कैमरे जो हैं, ठीक है। इस तरह से अपने यहाँ सारी क्लासेस में सारे कैमरे, सारी चीज़ें हैं, जिससे हम सारा इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। आइए अगली क्लास में चलते हैं, क्या हो रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आउट देखना है मेन, कि अभी तक कुछ फर्क हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। कहाँ है इसको माइनस कर, जो भी होगा ये आ गया, आउटपुट चेक करना, ये आ गया 20, ठीक है ना।
चल रही है आपकी, वोल्टेज यहाँ आना चाहिए एक मिनट में। हाँ बस वही सही दिखा रहे हैं सर अपन, माइनस यही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो भी है कार्ड के लिए कम से कम 5 या 12 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके 5 वोल्ट आ गए, ओके ये आ गया, ये आ गया। अब कार्ड पे लगा के ऑन करके दिखा दीजिए, है ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये देखिए किस तरह से आज चीज़ें बदली हैं सर ने, सारी सामने बच्चों के स्टूडेंट को रिपेयर कराया। ये आपका रेक्टिफायर, ये आईसी खराब थी, ये आईसी बदली, और आईसीओ को कुछ इस तरह से रखना चाहिए थर्मोकोल में, वो सारी चीज़ें सर बच्चों को समझाई जा रही हैं। जेनर डायोड कहाँ है, ये जेनर डायोड बदला और इसका फ्यूज़, ये 4 चीज़ें इसमें ख़राब मिली। तो आप अगर नॉर्मली बैठ के ट्रेसिंग करेंगे इस तरह से हमारे इंस्टीट्यूट में, तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और सारा कुछ क्या होता है हमारे यहाँ, ये TFT, कल एक LED TV जो हमने रिपेयर किया था वो भी मैंने कल आपको दिखाया था, वो कस्टमर का पूरा कैसे बना था वो देखते, इसको ऑन कर ही सकते। तो हम इस तरह से सारी चीज़ें लाइव प्रैक्टिकल्स में कराते हैं, ताकि बच्चा बोर्ड पे पढ़ा देना, थ्योरी पढ़ा देना, यूट्यूब से लेके पढ़ा देना, उस तरह का इंस्टीट्यूट ये है नहीं। रिपेयरिंग हो गई, नेटवर्किंग ग्रेजुएशन वगैरह है, इंग्लिश अच्छी तो नेटवर्क लाइन पे जा सकते, और अगर नॉर्मल पढ़ाई लिखाई है तो फिर आप नॉर्मली इस तरह के रिपेयरिंग कोर्सेज करें, ठीक है। 1000-2000 रुपए का रोज का क्या होता है, काम हो जाता है। भाई देखिए ये LED TV जो कल रिपेयर की थी, ऑन किया, ये देखिए HDMI, और फिर इस पे नो सिग्नल आना चाहिए, ये देखिए नो सिग्नल हो गया, मतलब ये ठीक है। कितना टाइम हो गया, कॉल करके बस 5 मिनट, आइए अगली क्लास में चलते हैं। जब तक ये कल हमने केबल बनाना बताया था इनको, तो केबल कैसे बनाई थी वो चीज़ ये बताएंगे। निकालो केबल, निकालो इसमें सारी चीज़ समझाओ, NBR में कैमरे समझाओ, क्रिम्पर दिखाओ, केबल टेस्टर दिखाओ, सारी चीज़ें दिखाओ। ये क्या है, केबल टेस्टर है, आज भी केबल बनाना एक बार और करेंगे हम। अगर ये सही नहीं होगी तो ये गलत बताता है, यहाँ बताता नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको 1-to-1 को इसको चेक करना है। इसके बाद एक केबल यहाँ पर लगा के दिखाओ, कनेक्टेड इस वजह से दिखा रहा है। ये इस तरह से आपको इसमें सारी सेटिंग्स करनी होती है, स्टैटिक IP इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए एक एक कैमरा हम लगाते जाएंगे और सबको कन्फिगर करते जाएंगे। ये NBR बताता है कि वो कितना सपोर्ट करेगा, समझ गए। इसके बाद ये पावर ओवर POE में क्या होता है, पावर ओवर इथरनेट से ये हम कनेक्ट कर देते हैं। तो सारे इस तरह से क्या होते हैं, चलते जाते। देखिए इसने बीप देना चालू किया, अभी हम कैमरा लगा रहे हैं, ये कैमरा लगाया इन्होंने और पावर दे दिए। ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क करके अब इसको कन्फिगर करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। ये वाला भी लगाओ बुलेट, अच्छा बुलेट में पावर लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें इसको कराएंगे अभी आज सारा कुछ। जितने कैमरे लगते जाएंगे वो इस तरह से यहाँ पर क्लियर, जो IP कैमरा होता है इसमें बहुत अच्छी क्लियरेंस आती है, सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं और बहुत कठिन नहीं है ये कि इसको कन्फिगर करने में दिक्कत आती है। भाई अभी हम थोड़ी देर में इसका ही वीडियो बनाएंगे जब हम इसको कन्फिगर कराएंगे। तो ये NBR है, DVR दिखाओ का है, DVR और NVR। NVR में देखिए यहाँ पर ये आउटपुट दे रहा है कितने कैमरों को ही कनेक्ट कर सकता है, DVR में कम से कम एक या दो कैमरा, IP कैमरा भी क्या हो सकता है, लग सकता है। देखिए यहाँ से आप, ये इस पर डिपेंड करता है DVR पर कि वो कितना, एक कैमरा एटलीस्ट वो सपोर्ट IP का ज़रूर करता है। तो इससे भी एक IP कैमरा चल जाता है, इससे भी एक IP कैमरा भी चला के देखो, फिर NVR से देखो, ठीक है, दोनों चीज़ें अच्छे से करना। चलिए अगली क्लास में देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ ये देखिए अभी ये मोबाइल की क्लास चल रही है हमारे दीपक सर, जो ये मोबाइल की क्लास ले रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है, शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग हटा के दिखाएंगे। चलिए अगली क्लास में चलते हैं।
तो अभी देखते हैं इसको ये क्या यहाँ पर आगे की क्लासेस में क्या हो रहा है। वो शोल्डर बंद करना है, चलने देना है। आप बंद कर दो उसको, हो गया। शोल्डर बंद कर दो। क्या चाहिए? बोर्ड दे दो। बोर्ड क्या करना है? तो हो गया ना, एक ही तो लगा। चेक करें ना। चेक तो हो जाएगा ना, शोल्डर नहीं चाहिए ना। क्या बोल रहे हो, बोलो ना। तो अब जरूरत क्या है उसकी? लेंस चला दो। अरे तो अभी लेंस जला लो ना, लेंस जला लो जब तक फिटिंग हो रही है, फिर ले लेना आगे। सूर्यकांत कहाँ चला गया भाई? सर वो रानी का। क्या? कुछ नहीं सर, आ रहे हैं, यही है बाहर। ठीक है, बस इतनी लग गया, बहुत अच्छा सर, बस जो अब अपन इसको प्रॉपर फिट कर दो। ठीक है, वोल्टेज पूरे आउटपुट हो गए ना, आउट हो गए ना, इसको यहाँ पे लगा दो। ये हो गया, इसको ये हो गया, इसका पैनल का है ना, ये इसका ऑन ऑफ का। सर ये एसएमटी कंपोनेंट टेस्टर देखा था आपने? ये वाला नहीं, नहीं ये वाला नहीं देखा सर मैंने। एक मिनट सर ना, बस अभी पावर लगाओ इसको ना। ठीक है, पावर लगाओ इसको, बंद है ना। आपने वो क्या करना है, चेक करना सीधा सीधा। अपन ने अपनी तरफ से तो काम पूरा कर दिया है इसका। तो इस तरह से ये देखिए, ये सर आ गया, ये सर आ गया है आपका, फिर से बंद करके चालू। ठीक है, तो ये सामने बच्चों के सारी चीजें इस तरह से हमारे मुकेश रावत सर ने सामने बच्चों को कॉन्फ़िगर करके, सॉरी कॉन्फ़िगर बोल रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरे का याद आ जाता है, यहाँ पर इस तरह से सामने रिपेयर किया टीएफटी मॉनिटर सर के ने। और ये 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, ये हमारे इंस्टीट्यूट के एक मेंबर है। ये सब हमारे इंस्टीट्यूट में कोई टीचर सैलरी पेड नहीं होते, सब मेंबर होते हैं और एक तरीके से एज ए पार्टनर हमारे साथ काम करते हैं। 20-25 साल का इनको एक्सपीरियंस है इस तरह से सामने चीज़ें रिपेयर करने वाले। हमारे ये इंस्टीट्यूट में चीज़ें होती हैं, जो भी हम कराते हैं सामने कराते हैं। समझ में आ गया, मज़ा आया? क्या समझ में आया, कैसे चेक करना है? क्लियर है? कैसा लगा पढ़ के, अच्छा लगा? हाँ भैया, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया अच्छे से? हाँ प्रभु श्रीकांत, मज़ा आया? कंप्यूटर हार्डवेयर और प्रिंटर रिपेयरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब कर देगा सर। ठीक है, ये रख दूँ ना, अभी ले जाओगे? क्या करना है? नहीं नहीं, मैं बोल दूंगा, फोन कर दूंगा। हाँ तो हम पहुँचा देंगे। ठीक है ना, तो और ये हमारे यहाँ फ्रिज एसी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ सारी क्लासेज होती है। किसी भी तरह की क्लास के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। सब में लाइव प्रैक्टिकल्स होंगे, सामने रिपेयरिंग होगी, सामने चीज़ कन्फिगर करके दिखाई जाएगी। तो ये था आज का सीसीटीवी का बैच, सॉरी एलईडी एलसीडी का बैच। सीसीटीवी के अभी हम बैचेस के बारे में और आगे करेंगे, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो 9893266819 मेरा नंबर है। कोर्सेज के लिए मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द